उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक रहे आजम खां की विधायकी रद्द होने के बाद अब बीजेपी को भी तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधायक की सदस्यता रद्द हो चुकी है, हालांकि आधिकारिक सूचना आना बाकी है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को एक मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित करेगा। रामपुर सीट के साथ साथ जल्द ही खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। 5 दिसंबर को रामपुर के साथ ही यहां भी चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने कहा है कि अभी लखनऊ से कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है, जब तक पत्र प्राप्त नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, और जो फैसला हुआ है मुजफ्फरनगर कोर्ट ने दिया है, उसकी अपील हमने हाई कोर्ट में की थी और हमारा वकील जैसे ही तारीख मिलेगा उस पर बहस करेगा और हमें राहत मिलेगी। संबंध में कोई जानकारी वगैरह आपके पास हो? अभी कोई लखनऊ से लेटर प्राप्त नहीं हुआ है, जब तक वहाँ से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो है आगे आपकी कोई रणनीति, किस तरह की कोई रणनीति है? इस जो फैसला हुआ है मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने दिया है, उसकी हमने अपील हाई कोर्ट में कर दी और उसकी जैसी तारीख मिलेगी हमारा वकील बहस करेगा, वहां से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगे से पहले 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर जनपद के कवाल गांव में गौरव और सचिन की हत्या के बाद पुलिस ने खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 147, 148, 149, 307, 336, 353, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक विधायक विक्रम सैनी सहित इन सभी 28 में से 12 लोगों को 11 अक्टूबर के दिन मुजफ्फरनगर स्थित MP MLA कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगवाया था, जबकि 15 लोग इस मामले में सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे और एक की मृत्यु हो गई थी। अब देखना होगा कि विक्रम सैनी को इस मामले में राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें आगे और बढ़ती है।